नसरीन महफूज अबहारी आपके साथ हम हैं। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि अयाम हफ्ता के बारे में बताइए। हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा, खुदावंद करीम तमाम अयाम हफ्ता को सामने लाएगा और लोग इनके नामों और निशानियों से उनको पहचानेंगे, और सबसे आगे जुमा का दिन होगा जिसके लिए खुदा एक नूर चमकने वाला करार देगा, और बाकी तमाम अयाम उसकी इत्तबा करेंगे। और जुमा के दिन इस तरह सजाया जाएगा जिस तरह पहले दिन की दुल्हन सज कर दुल्हा के घर जाती है, और फिर जुमा का दिन गवाह महाफिज होगा हर उस शख्स के लिए जो जुमा की तरफ जल्दी करता है। और फिर मोमिनीन जन्नत में इस हिसाब से जाएंगे जिस हिसाब से वो जुम्मा की तरफ सबकत करते होंगे, यानी जो जुम्मा के लिए सबसे पहले मस्जिद में आता होगा वो जन्नत में भी सबसे पहले जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।